प्यारे देशवासियों और प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, कल मैंने एक पोस्ट डाला था। कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जिसमें सिर्फ ये कहा था कि हम लोग लद्दाख से ऊंचे पहाड़ों और नदी नालियों को पार करते हुए दिल्ली आ रहे हैं आपको याद दिलाने आपका किया हुआ वादा, जो कि 2019 और 2020 के इलेक्शन में लद्दाख के संरक्षण के बारे में था। मगर इस पर भी कुछ लोगों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट्स किए हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम चीन के एजेंट हैं, या CIA के एजेंट है, या सोरोस फंडेड है। मोदी जी, लोग कहते हैं कि ये आपके समर्थक हैं, भक्त हैं, मुझे नहीं पता, मगर अगर हैं तो मैं ये कहूंगा कि इन्हें तुरंत रोकिए, क्योंकि इनके वजह से आपकी बदनामी होती है, फायदा नहीं। अब आप ही बताइए, आप किसी का काम करते हैं और वो आपको पैसा चेक में देते हैं, और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है ये चेक माननीय नहीं है, ये बाउंस हो जाता है, और बजाय सॉरी कहने के उनके लोग आपको कहते हैं कि आप चीन के जासूस हो, CIA के एजेंट हो, सोरोस फंडेड हो, तो ये कैसा इंसाफ होगा। मोदी जी, एक नेता की विश्वसनीयता ही सब कुछ है। आप बहुत लोकप्रिय हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, तो हम उम्मीद में हैं कि लद्दाख के साथ भी आपकी ये गारंटी लागू होगी। और देशवासियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस पोस्ट के नीचे भी आप ऐसे कमेंट्स देखें तो आप अपना जरा, जो कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड उन्हें सुना दीजिएगा कि नेताओं को उनके वादे याद दिलाना भी एक देशभक्ति ही है, देशद्रोही नहीं। धन्यवाद जुले और जय हिंद।